गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड सर्वोदय नमस्कार। पिछले क्लास में मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ ऐप और कुछ कॉमन ऐप्स के बारे में हम लोग पढ़े थे, और इस क्लास में पढ़ेंगे उस ऐप को कैसे डाउनलोड करते हैं और कैसे हम अपना ऐप्स क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम अपना ऐप बना सकते हैं। तो सबसे पहले डाउनलोड और इंस्टॉलेशन ऑफ ऐप, कैसे हम लोग डाउनलोड और इंस्टॉल करेंगे ऐप्स को। सो हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल योर ऐप्स। तो सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, गूगल प्ले स्टोर पे। कहाँ जाना है आपको, गूगल प्ले स्टोर पे। मोबाइल पे जाइए अपने गूगल प्ले स्टोर पे, आपका ऐसा सिंबल बना हुआ मिलेगा आपको, ग्रीन कलर का, येलो नहीं ग्रीन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करते ही गूगल प्ले स्टोर ओपन होगा। उसके सर्च बॉक्स में आपको जो ऐप डाउनलोड करना है उसका नाम टाइप कीजिए। जैसे ही टाइप कीजिएगा तो ऐप्स का लिस्ट ओपन होगा, उसमें उसके वो भी ऐप रहेगा और उसके रिलेवेंट यानी कि उसके मिलते जुलते ऐप्स के नाम आएंगे। जो ऐप हमको डाउनलोड करना है उसके सिंबल पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे, वो इंस्टॉलेशन आपका हो जाएगा। कुछ समय लगेगा 5 से 10 मिनट नेट के स्पीड के अकॉर्डिंग, और उससे वो आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा और आपको फिर वहाँ पे ओपन होने का ऑप्शन शो करेगा। उस पर क्लिक करेंगे ऐप ओपन हो जाएगा। तो ये सिंपल वे है, सबसे सिंपल वे है आपको स्टोर करने का, इंस्टॉल और डाउनलोड करने का ऐप्स फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर इन मोबाइल। उसके बाद आपको सिस्टम में करना है तो आपको स्टोर ऐप्स, किससे स्टोर ऐप से डाउनलोड करना होगा। वहां पे होता है आपका विंडो का स्टोर ऐप्स, क्रोम का स्टोर ऐप, तो आप कंप्यूटर में वहां से आप डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। सेम प्रोसेस होता है, स्टोर ऐप ओपन कीजिए, इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए आपका सिस्टम, वहाँ से स्टोर ऐप या गूगल क्रोम या विंडो स्टोर ऐप ओपन कीजिए, उसमें सर्च कीजिए एप्लीकेशन और उसको इंस्टॉल कीजिए। ठीक है, सेम वे अब आइए डेवलप योर ऑन ऐप्स। हम लोग कैसे अपना ऐप्स, खुद का ऐप बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ऐप डेवलप करने के लिए नॉलेज होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, जानकारी किस किस चीज की, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की यानी कि जैसे स्क्रैच की, पाइथन, आपने 7th क्लास में पाइथन पढ़ा होगा, स्क्रैच जो कि आपको हायर क्लास में 9th में पढ़ना होगा, C++, जावा, HTML, ये सब आपको CSS कैस्केडिंग HTML का पार्ट है, ये सब आप 7th में पढ़े होंगे, HTML पाइथन बाकी तो नहीं पढ़ा होगा, बाकी हायर में पढ़ना है आपको। सो इसकी नॉलेज होनी चाहिए। उसके साथ आपको ऐप क्रिएट करने के लिए आपके पास एंड्रॉयड, अगर एंड्रॉयड में क्रिएट करना है तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट किट होनी चाहिए आपके पास, ADK एंड्रॉयड डेवलपमेंट किट होना चाहिए जिससे हम लोग डेवलप कर सकते हैं। ये सब की आपकी नॉलेज पहले तो होनी चाहिए तभी जाके आप ऐप्स कोई अच्छा डेवलप कर पाएंगे। ठीक है, बट बहुत सारे ऐसी कंपनियां हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है जिसपे आपके पास नॉलेज नहीं भी है, प्रोग्रामिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज है, आपको बहुत वास्ट नॉलेज नहीं है, थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, तब भी आप उस प्लेटफॉर्म पर जाके ऐप को डेवलप कर सकते हैं। जैसे सम एग्जांपल आपको बता देते हैं, जैसे कुछ एंड्रॉयड डेवलपमेंट किट का एग्जांपल बता देते हैं जिसपे आप लोग जाके सॉफ्टवेयर, एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर, कौन सा सॉफ्टवेयर, एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं अपने अपने आप का, खुद का। ठीक है, आपके बुक में दिया हुआ है एंड्रॉयड स्टूडियो और इक्लिप्स, एंड्रॉयड स्टूडियो और इक्लिप्स पे जाके आप लोग इसमें इंटीग्रेटेड होता है आपका एंड्रॉयड डेवलपमेंट किट, इसको डाउनलोड करके इस पर आप अपना ऐप खुद का बना सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है उससे भी इजी वे में, जो एकदम बिगेनर होता है फ्री ऑफ कॉस्ट इजी डाउनलोड कर सकते हैं, वो है एपी पाई। क्या है आपका एपी पाई, एपी पाई एपीपाई आप डाउनलोड कीजिए और इसमें आप अपना ऐप बना सकते हैं। इसमें भी इंटीग्रेटेड एंड्रॉयड डेवलपमेंट किट होता है जिससे आप अपना ऐप को क्रिएट कर सकते हैं। एपीपाई का वेबसाइट आपके बुक में दे रखा है www.appipi, और वहां से .com पे जाके आप एपीपाई को डाउनलोड कीजिए और उसमें अपना ऐप क्रिएट कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के बाद उसमें आपको पहले रजिस्टर करना होगा, यूजर नेम ID पासवर्ड क्रिएट करना होगा, उसके बाद वो पूछेगा आप किस तरह का ऐप डाउनलोड करना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं, एजुकेशनल ऐप, एंटरटेनमेंट ऐप या सोशल नेटवर्किंग ऐप, बहुत सारे ऐप्स हैं, तो उस तरह का पूछेगा आपको ऑप्शन में कि कौन सा ऐप आप बनाना चाह रहे हैं, किस तरह का, किस टाइप का। उसके बाद उसमें बहुत सारे फीचर्स है वो ऐड करना होता है, तो वो आपको हायर क्लास में पढ़ना है, आपको पता है कैसे ऐप
डेवलप कर सकते हैं, नॉलेज नहीं रहने के बावजूद भी आप ऐप को क्रिएट कर सकते हैं। इतने की वास्ट इतने इतने लैंग्वेज की नॉलेज ना होने के बावजूद भी आप ऐप डेवलप कर सकते हैं छोटे मोटे। तो उसके लिए आपको या तो एंड्रॉयड स्टूडियो या क्लिप्स या एपीपाई डाउनलोड करके उसमें आप क्रिएट कर सकते हैं। जिसके पास है वो ट्राई कर सकता है डाउनलोड करके, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, वेबसाइट पे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 5 ऐप डेवलपमेंट खत्म होता है। मैं फिर से बच्चों से अनुरोध करता हूँ कि घर में रहें, क्योंकि पटना सिटी में कोरोना वायरस का बहुत वर्स्ट कंडीशन है, बहुत बल्क में कोरोना पेशेंट मिल रहे हैं हमारे पटना सिटी में। इसलिए आप घर पर रहें, सैनिटाइजर और मास्क का यूज करें, अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें। सो धन्यवाद।